इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा चार की कार्यपुस्तिका के पाठ पंद्रह वीर अभिमन्यु इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें शब्द का अर्थ लिखें यहाँ पर आपको इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं यहाँ शब्द लिखे हैं यहाँ पर इनका अर्थ लिखना है आकाश मतलब आसमान वीरगति मतलब युद्ध करते करते युद्ध करते करते मृत्यु हो जाना ये हुए काट देंगे युद्ध करते करते मृत्यु हो जाना या फिर ऐसे लिख देंगे युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाना फिर इसमें से ये काट देंगे तो इस तरह से आप इसका अर्थ लिख देंगे निहत्था मतलब जिसके पास शस्त्र न हो सारथी मतलब साथ देने वाला तो ये आप इनके अर्थ लिखेंगे अब देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा प्रश्नों के उत्तर लिखिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं महाभारत का युद्ध किन के बीच हुआ था उत्तर में लिखेंगे कौरवों और पांडवों के बीच कौरवों के सेनापति का नाम क्या था उत्तर में लिखेंगे गुरु द्रोणाचार्य अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विद्या कब सीखी तो उत्तर में आप लिखेंगे माँ के गर्भ में चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर कौन खड़ा था उत्तर में लिखेंगे गुरु द्रोणाचार्य आगे देखते हैं अगला प्रश्न है इसमें तीसरा नीचे लिखे मुहावरों का अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए जो मुहावरों का हमने अपने शब्दों में वाक्यों में यहाँ पर प्रयोग किया है आप इनसे अलग भी लिख सकते हैं यहाँ मुहावरा है यहाँ पर वाक्य प्रयोग है जैसे मोह की खानी पड़ी मतलब बुरी तरह हार जाना आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कौरवों को पांडवों के हाथों मोह की खानी पड़ी मोह की खानी पड़ी हाहाकार मचना मतलब विपत्ति आ जाना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना उत्तर में आप इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे शत्रु सेना में हाहाकार मच गया शत्रु सेना में हाहाकार मच गया डटकर मुकाबला करना यानी लोहा लेना यानी मजबूती से सामना करना यानी बहुत ही निडर होकर के सामना करना तो उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं युद्ध में कौरव सेना का अभिमन्यु ने डट कर मुकाबला किया शिकार होना किसी की चपेट में आ जाना आप इसका वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं अभिमन्यु कौरव सेना का शिकार हो गए थे कौरव सेना का शिकार हो गए थे इस तरह से आप इनको वाक्य प्रयोग कर देंगे अब हम आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न है हमारा नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें जैसे आकाश इसका पर्यायवाची है आसमान युद्ध रण शत्रु दुश्मन धरती भूमि बाण तीर इस तरह से पर्यायवाची शब्द लिखेंगे आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे बिल्कुल सही बात है दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह की रचना कराई ये बात भी सही है चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर दुर्योधन खड़े थे ये बात यहाँ पर गलत है आगे देखते हैं अर्जुन ने द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन ने द्रोणाचार्य के रथ को घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया ये बात यहाँ पर गलत है दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गधा से वार किया दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया ये बात बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आप सही का निशान लगा देंगे अब आगे देखते हैं हम अपने छठे प्रश्न को प्रश्न छः है हमारा वीर अभिमन्यु ने वीर अभिमन्यु से जुड़े रोचक प्रसंगों को लिखिए तो आप लिख सकते हैं वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी दूसरा इनके बारे में आप लिख सकते हैं अभिमन्यु महाभारत युद्ध के दौरान युद्ध में परास्त होकर वीर गति को प्राप्त हुए इस तरह से आप लिख सकते हैं आगे देखिए प्रश्न सात है हमारा पाठ के आधार पर अभिमन्यु के विशेष गुण लिखिए यहाँ पर आपको अभिमन्यु के विशेष गुण लिखने हैं जैसे यहाँ देखिए ये यह है शब्द जाल एक तरह से अभिमन्यु तो इनके कुछ विशेष गुण हैं अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु महान योद्धा थे अभिमन्यु के पराक्रम से कौरव सेना में हाहाकार मच गया आगे देखिए कुछ और इनके बारे में विशेष गुण अभिमन्यु को दुशासन के पुत्र ने पीछे से गदा मार दिया था धोखे से इन्हें मारा गया था तो इस घटना ने भी इस घटना ने भी अभिमन्यु को अमर बना दिया क्योंकि वो अभिमन्यु अकेले लड़ रहे थे और कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी इकट्ठे होकर उनके साथ लड़ रहे थे तो एक तरफ तो अकेला व्यक्ति और दूसरी तरफ पूरी सेना का समूह तो धोखे से इन्हें मारा गया था तो इस घटना ने भी अभिमन्यु के सम्मान में चार चांद लगा दिए थे अभिमन्यु निडर और निर्भीक थे वो बहादुरी से युद्ध कर... उन्होंने बहादुरी से शत्रु सेना के साथ युद्ध किया तो ये सभी उनके पराक्रमी गुण हैं इन्हें आप लिख सकते हैं तो इस तरह से ये हमारा फुलवारी कक्षा चार की कार्यपुस्तिका के पाठ पंद्रह की वर्कशीट का हल है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें